નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજે આપણે કક્ષા 7 ની અંદર વિશેષણ કિસે કહેતે હે, વિશેષણ કે કિતને ભેદ હે, ઉસકે બારે મે આજ હમ દેખેંગે। તો પહેલે વિશેષણ યાની ક્યા, તો વિશેષણ કી જાણકારી પ્રાપ્ત કરને કે લિયે હમ પહેલે સંજ્ઞા કે બારે મે દેખેંગે। સંજ્ઞા વો શબ્દ હે ઓર જો સંજ્ઞા હે ઉસ શબ્દ કે બારે મે જો વિશેષતા બતાતે હે उसे हम विशेषण कहते हैं। तो हम कुछ चित्र में मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर कुछ ऐसे चित्र आपके समक्ष रखे हैं, उसे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन कौन से चित्र है। तो पहला चित्र है नाक, दूसरा चित्र है बादल का, तीसरा चित्र है उंगलियां और चौथा चित्र है वर्षा। तो यहाँ कुल 4 चित्र मैंने आपके समक्ष रखे हैं, उसमें आपको दिखाई देते हैं कि पहले चित्र में नाक, दूसरे बादल, तीसरा है उंगलियां और चौथा है वर्षा का। तो ये क्या है, ये क्या है? तो नाक, बादल, उंगलियां और वर्षा, ये शब्द है। क्या है? शब्द है। इसे हम संज्ञा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संज्ञा। तो यहाँ नाक कैसी है, नाक कैसी है प्रश्न है कि नाक कैसी है। तो यहाँ नाक कैसी है? लंबी है। कैसी है? लंबी। तो यहाँ नाक कैसी है? तो नाक लंबी। बादल कैसे है? तो बादल कैसे है? तो बादल काले हैं। बादल कैसे हैं? तो बादल काले हैं। तीसरा वाक्य है उंगलियां कितनी है, प्रश्न है कि उंगलियां कितनी है। तो यहां दिखाई देता है कि उंगलियां 5 है। कितनी है? 5। तो उंगलियां कितनी है? 5। आगे देखिए चौथा प्रश्न, वर्षा कितनी है। तो वर्षा कितनी है? अधिक है। वर्षा कितनी है? अधिक है। तो यहां देखिए नाक कैसी है, बादल कैसे हैं, उंगलियां कितनी है, वर्षा कितनी है, ये सब वाक्य है। वो क्या है? तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले वाक्य है। यहां देखिए लंबी, काला, ये क्या है? तो ये विशेषण है। क्या है? विशेषण। तो यहाँ नाक, बादल, उंगलियां और वर्षा, ये शब्द है। शब्द यानी संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता यानी कि उन शब्दों से संज्ञा की विशेषता बढ़ती है, इसीलिए संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं मित्रों? विशेषण। तो यह परिभाषा है संज्ञा की, विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। इस प्रकार विशेषण की व्याख्या यानी कि परिभाषा हुई। तो यहाँ हम देखेंगे कि विशेषण के कुछ भेद हैं। तो कितने भेद हैं विशेषण के? तो यहाँ 4 भेद बताए गए हैं, भेद यानी प्रकार। तो संज्ञा के कुल 4 भेद हैं। पहला नंबर है गुणवाचक विशेषण, दूसरा नंबर है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा नंबर है परिणामवाचक विशेषण और चौथा नंबर है सार्वनामी विशेषण। इस तरह विशेषण के कुल 4 भेद हैं। तो हम मित्रों आज विशेषण के कुल 4 भेद के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए मित्रों, नंबर 1 यानी गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी क्या? तो गुणवाचक विशेषण की हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा यानी कि व्याख्या। तो हम देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण किससे करते हैं। तो जिसमें गुण है, तो जिस शब्द में यानी शब्द यानी क्या, आपको पहले मैंने बता दिया कि शब्द यानी क्या, तो संज्ञा। शब्द यानी क्या? तो संज्ञा। संज्ञा को हम शब्द कहते हैं। तो जिस शब्द से संज्ञा के गुण, संज्ञा के
देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण के उदाहरण के बारे में। तो पहला है लाल रूपी। ये लाल रूप क्या है? गुण है, गुणवाचक विशेषण। छोटा गांव, छोटा, बड़ा, छोटा, उसको भी हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गरीब, तो वह दशा स्थिति है, तो गरीब लड़का, वह भी गुणवाचक विशेषण है। तो लाल, छोटा और गरीब, वह क्या है? गुणवाचक विशेषण शब्द है। तो मित्रों, आज हम गुणवाचक विशेषण के बारे में देखते हैं। और हम दूसरा नंबर है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण यानी क्या? तो हम उसकी परिभाषा देखेंगे, यानी व्याख्या। संख्या वाचक विशेषण जिन शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध होता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो फिर से, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध होता है, इसमें कौन सी बात है? संख्या का बोध होता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। चार लड़के, तो चार क्या है? संख्या है। चार क्या है? संख्या है। 20 रुपये, तो 20 क्या है? संख्या है। संख्यावाचक विशेषण को हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, क्योंकि उसकी संख्या का ज्ञान होता है, इसीलिए हम तुरंत पहचान सकते हैं कि यही विशेषण का प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। तो अनेक, अनेक वह भी संख्यावाचक विशेषण है, कुछ निश्चित नहीं है, परंतु अनेक, अनेक है वह भी संख्यावाचक विशेषण में आता है। तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण यानी कि कुछ तरह की संख्याओं का इस्तेमाल करके वाक्य बनाए जाते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो नंबर तीन, तीसरा नंबर है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण यानी क्या? तो उसमें पहले उसकी व्याख्या के बारे में देखेंगे। जिस शब्द से संख्या के परिमाण का, यानी कि परिमाण की मात्रा, नापमान या तोलमाप का बोध होता है। कैसे? नापमान या तोलमाप का बोध होता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण यानी कि नाप तोल। अभी नाप तोल यानी क्या? तो हम जब दूध लेकर लेने के लिए बाजार जाते हैं, तो हमें दूध वाला है वह माप, वो है उसको माप करके हमें दूध आता है, देता है। यानी कि कुछ किराए वाली दुकान पे हम जाते हैं, तो किराया किराने स्टोर के अंदर, तो हम देखते हैं कि हमें गुड़ चाहिए या चावल, कुछ भी अन्न या दाने चाहिए, तो हम उसको कहते हैं कि मुझे 2 किलो आटा चाहिए, तो वह माप करकर हमें 2 किलो आटा देता है। इस तरह परिमाण, परिमाणवाचक क्या है कि माप तो 2 मीटर कपड़ा, यहाँ 2 मीटर कपड़ा, थोड़ी मेहनत, आधा लीटर दूध,
वीर बालक है, तो यहाँ हम वीर है वह क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। और कौन सा प्रकार है वह? गुणवाचक विशेषण है। तो हम वीर बालक है, यहाँ पहले वाक्य में वीरता का गुण बताया गया है। नंबर दो, झूठ बोलना बुरी आदत है। यहाँ झूठ बोलना बुरी आदत है, उसमें बुरी है बड़ा बुरा का अर्थ बताती है, तो हमें वह भी गुणवाचक विशेषण है। हम आजाद देश के निवासी है, तो इसमें आजाद है वह विशेषण का प्रकार है, उसको हम विशेषण कहते हैं। नंबर चार, यह सूखा स्थान है, उसमें सूखा शब्द है वह क्या है? विशेषण। नंबर पांच, हमारे मन में नई उमंगे है, उसमें नई शब्द है वह भी विशेषण है। हमारे मन में नई उमंगे है, उसमें नई शब्द है वह भी विशेषण है। और हम देखेंगे नंबर छह, नन्ही ने पूरी घटना बताई। नन्ही ने कौन सी पूरी घटना बताई? तो यहाँ पूरी शब्द है वह क्या है मित्रों? विशेषण है। तो नंबर सात, दूध में शक्कर कम थी। यहाँ कम शब्द है, माप तो कम ज्यादा अधिक, तो यहाँ कम शब्द है वह क्या है? विशेषण है। आगे देखिए मित्रों, तो विशेषण है।